हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो है संसाधन इकाई 1 इसे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ पर मुख्य मुख्य बातें बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे चैनल AD स्टडी मास्टर, क्या था AD स्टडी मास्टर, AD स्टडी मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको मैथ के शॉर्ट ट्रिक एंड GK के क्वेश्चन एंड ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर सारे आपको वहाँ पर कराए जाएंगे। तो जाके जल्दी से अभी सब्सक्राइब उसे भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मुख्य मुख्य बातें देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे जो ज़्यादा मुख्य बात यहाँ पर हमको यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव, जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जिससे मानव की आवश्यकता पूरी होती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। आप लोग इसे खुद से पढ़ लीजिएगा चैप्टर को, हम यहाँ पर मुख्य बातें को इसमें बताएंगे इस वीडियो में। अब देखिए, यहाँ पर एक मुख्य बात जो है वह है संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। तो यहाँ पर खुद दिया है, आर्थिक मूल्य में लकड़ी से फर्नीचर बनाना। तो लकड़ी से जब फर्नीचर बनाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? मानवीय आवश्यकता में काम आने लगेगा। सौंदर्यात्मक मूल्य, जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। कानूनी मूल्य, तो कानूनी मूल्य में यहाँ पर है जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। उसके बाद है नैतिक मूल्य, संसाधन को संरक्षित करना। अब देखिए, यहाँ पर जो है नीचे में संसाधन के प्रकार है, संसाधन के प्रकार ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा संसाधन के प्रकार, यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधन। इसमें प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव, जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्र जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। जितने भी चीज़ हैं, पेड़ पौधा जो है, सूर्य का प्रकाश, पवन, जो जल, मिट्टी उट्टी हो गया, वो सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधन को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। मानव अपने तकनीक एवं कौशल के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा उसे अपने रूप में बदलता है, जिससे वह यूज करता है। जैसे कि लकड़ी से हो गया कुर्सी बेंच बनाना, ठीक है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, देखिए यहाँ पर भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल हैं। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, लाल, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियाँ शामिल हैं। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि शामिल हैं। वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ शामिल हैं। इसी तरह जैव संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े जीवो जंतु शामिल हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत जो है वहाँ कौन सा है? अयस्क, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल हैं। तो ये सब आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक पर, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में है मानव निर्मित संसाधन। तो इसमें क्या हो जाएगा? मानव एक क्या है? मानव संसाधन, पहले मानव, उसके बाद मानव निर्मित। तो पहले मानव को समझते हैं, मानव संसाधन क्या होता है। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमाग एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होता है। जिस प्रकार, जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीक उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहाँ मानवीय निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। और कुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देश के पिछड़े होने की यही मुख्य जो है कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग मानव संसाधन समझ गए। अगला है मानव निर्मित संसाधन, जो कि मानव बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मानव अपने श्रम से कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन करके लाता है। जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं
पेड़ पौधा उसके गुण में रंग रूप में परिवर्तन करके लोग क्या बनाते हैं, कुर्सी टेबल बेंच इत्यादि बनाते हैं, सीमेंट बालू से घर बनाते हैं। तो ये सब जो रंग रूप में परिवर्तन करके लाते हैं वह कोई क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन, जैसे में मकान हो गया, कार्यालय हो गया, भवन, कार्यालय भवन, यहाँ पर हो जाएगा पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेलवे, सड़क। तो इस तरीके से सारा कुछ आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब क्या है, प्राकृतिक वस्तु को मानव ने अपने तरीके से इसे बनाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मानव निर्मित। अगला है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्राकृतिक संसाधन जो यहाँ पर इसे कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में। देखिए विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संसाधन को पहले तो हम पढ़े हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक में भूमि, मिट्टी, जल, मानव में तो मानव स्वयं हो जाएगा। उसके बाद मानव निर्मित संसाधन में जो मानव बनाता है, टेबल, कुर्सी, बेंच, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, सारा कुछ। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक संसाधन को समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, उपलब्धता की दृष्टि से, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो देखिए विकास एवं उपयोग की दृष्टि से जो है प्राकृतिक संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन क्या होता है, संभाव्य क्या होता है, अब हम इसे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक संसाधन उन संसाधन को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधन का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अभ्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण है। तो इसको आपको नोट कर लेना है और इसके उदाहरण को भी याद कर लेना है। अगला है संभाव्य संसाधन। तो इसमें क्या होगा, उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा हो। देखिए ऐसा संसाधन जिसका हमें कुल मात्रा ज्ञात नहीं है और हम वर्तमान में इसका उपयोग नहीं कर, लेकिन ये हमें आसार या संभावना रहेगा कि हम इसे भविष्य में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्या है, इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना, ठीक है ना। इस जो ये संसाधन होता है आपका संभाव्य संसाधन, इसका जो मात्रा है वह भी ज्ञात नहीं रहता है और जो ये वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जाता और भविष्य में उपयोग करने की संभावना होती है या फिर संभावना व्यक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए केरल में मिलने वाला थोरियम, ठीक है, तथा लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम, ये सब संभाव्य संसाधन हो गए आपका। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर है अगला उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और जैव संसाधन। तो ये दोनों क्या होते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव आते हैं, ठीक है। जितने भी सजीव हैं ना वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, सभी सजीव शामिल है, जैसे कि पेड़ पौधा, वन जीव जंतु इत्यादि। जबकि सभी निर्जीव वस्तुएँ अजैव संसाधन में आते हैं, जस्ट उसका उल्टा है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि। तो ये जैव में हो जाएगा सभी सजीव और जैव में सभी निर्जीव, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब है उपलब्धता के आधार पर, ठीक है। उपलब्धता के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो देखिए इसे भी हम लोग समझेंगे, यहाँ पर उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधन को नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन, देखिए नवीकरणीय वैसा प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य की किरण एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन हैं। ये आप लोग समझ गए, वैसा संसाधन जिसे प्रकृति स्वयं ही बनाती है, जैसे सूर्य का प्रकाश वो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए उसे हम लोग कहेंगे नवीकरणीय, जिसका निर्माण होते रहता है, ठीक है। अगला है अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसा संसाधन है जिसके भंडार सीमित है, मतलब कि हमें फिक्स है कि इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप लोग समझिए, मान लीजिए कोयला के खान के बारे में हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए झारखंड में जो कोयला का खान है उसमें मान लीजिए कि जितना आपको माना 1 क्विंटल हम लोग मानते हैं,
एक क्विंटल वहाँ पर कोयला है, तो ये फिक्स है एक क्विंटल ही है। जब हम इसको धीरे धीरे उपयोग करेंगे धीरे धीरे ये खत्म होते जाएगा, और एक समय आएगा जब ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो उससे हम कहेंगे ऑन अभी करने साधन। यहाँ पर समझिए आप लोग, तथा एक बार उपयोग में आने के बाद पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार की खनिज जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। देखिए ये हजारों वर्ष, जबकि देखिए पेड़ पौधा टूटता है, गिरता है, वो मिट्टी में दबता है, तो वहाँ पर बहुत समय लगता है तभी जाकर इसका निर्माण हो पाता है। यहाँ पर देखिए एक मुख्य बात दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। जल, अब यहाँ पर मुख्य बात जो है क्या है, जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनःपूर्ति में मानव हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं। तो क्या है, जल एवं वन ऐसे जो है ना संसाधन है जिसे पुनः निर्माण होने में मानव ही रुकावट डालता है, जैसे मानव जल को गंदा करता है, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक काटता है। यदि इन संसाधन के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए, मानव जो है उसके प्रति अच्छा भावना दिखाए, उसे काटे नहीं, अपना हस्तक्षेप बंद कर दे, तो क्या होगा, वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लाए जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन, तो इसे भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसमें क्या होगा, सर्वत्र एवं स्थानीय संसाधन होते हैं, जैसे प्राकृतिक द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख हैं, इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापी संसाधन कहा जाता है। देखिए वैसे संसाधन, ये सर्वत्र मतलब क्या होता है, सभी जगह, जो सभी जगह पाए जाएंगे वो हो जाएंगे सर्वत्र। स्थानीय मतलब क्या हो जाएगा, कोई खास स्थान, कोई खास जगह जहाँ पर वो पाए जाते वो हो जाएगा स्थानीय संसाधन। तो जो सभी जगह पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सर्वत्र संसाधन, ठीक है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, इन्हें स्थानीय संसाधन कहते हैं। जैसे मैं आप लोग लिख दीजिएगा, कोडरमा में पाए जाने वाले अभ्रक, जादूगोरा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले, तो ये सब खास स्थान पे ही पाए जाते हैं, मतलब कि सभी जगह जो है ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब हम लोग आगे का समझेंगे। अब आगे का क्या है, हमारा स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखिए इसका समझते हैं, और आप लोग को नोट चाहिए तो कमेंट करिएगा, आप लोग को नोट भी उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय में बांटा गया है। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, तालाब आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो, तो उसे हम लोग कैसे कहेंगे, निजी कहेंगे, क्योंकि उस पर कुछ निजी व्यक्ति का अधिकार है। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बंगला है, ठीक है, ये कोई घर है, और ये घर किसका है, किसी व्यक्ति का है, कोई एक व्यक्ति है जिसका ये घर है, तो इस घर पे अधिकार किसका होगा, पहले आप लोग बताइए, इस घर पे अधिकार इसी व्यक्ति का होगा, ठीक है। तो ये घर किसका हो गया, पर्सनल इस व्यक्ति का हो गया, निजी हो गया, ठीक है। इस पर सभी लोग इस घर में आके नहीं रह सकते हैं, इस पर सिर्फ इसी का अधिकार है, तो ये हो जाएगा आपका निजी के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद देखिए निजी संपत्ति कहा जाता है, उसकी वजह किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाएंगे तो राष्ट्रीय हो जाएंगे। आगे देखिए 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्धक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। यहाँ उपलब्धता संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की सहमति के बाद ही किया जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक है अगला, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग, तो इसे भी हम लोग अभी समझेंगे। तो देखिए इसे आप पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पर आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन का वितरण एवं उपयोग। तो प्राकृतिक संसाधन का जो वितरण है वह सभी जगह अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में मिट्टी होता है, ठीक है, मतलब सामान देख लीजिए तो हमेशा अधिक जगह पर मिट्टी पाया जाता है, जहाँ पर आप लोग चलते फिरते मिट्टी पाया जाता है, लेकिन मरुस्थल में
मरुस्थल में क्या पाया जाता है? मरुस्थल में सिर्फ और सिर्फ रेत पाए जाते हैं, ठीक है, आपका रेत जो कि हो गया बालू पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, वितरण, जो वितरण है इस भिन्न हो गया, ठीक है। तो कहीं पर पाया जाता है मिट्टी तो कहीं पर रेत, तो ये वितरण में भिन्नता आ गया। कहीं पर जल ज़्यादा होता है, ठीक है, जल उपलब्ध होता है, और कोई ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर जल उपलब्ध नहीं होता, जैसे कि आप लोग राजस्थान को भी जानते हैं, वहाँ पर जल कम है, मतलब कि जितना सामान्य क्षेत्र पाया जाता है उससे कम है। तो ये क्या हो गया, भिन्नता हो गया, ठीक है। तो मतलब कि भिन्नता मतलब अलग अलग हो गया, मतलब कि अलग रहेगा, यहाँ से कहीं अधिक रहेगा तो कहीं कम रहेगा, कहीं पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे, कहीं कहीं जो है पर्वत पर्वत पाए जाएंगे तो कहीं पर्वत नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, भिन्नता हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन का भिन्नता। तो इसे आप लोग यहाँ पर पढ़ के अच्छे से समझ लीजिएगा, हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा दिए। अगला टॉपिक क्या है आपका, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, तो इसे भी हम अभी समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, हम इसे समझा देने, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या था, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। तो देखिए संरक्षण क्यों आवश्यक है, अब हम यहाँ पर समझेंगे। प्राकृतिक संसाधन का जो है, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जो है वह क्यों ज़रूरी है। देखिए मान लीजिए प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है हमारा जल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जल है 100 लीटर, हम लोग समझते हैं, समझने के लिए यहाँ पर मान लीजिए जल है यहाँ पर 100 लीटर जल है। अब अगर हम इसे संरक्षित नहीं करेंगे, मान लीजिए हम इसे क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका उपयोग कर रहे हैं, तो एक दिन हम इसमें से 1 लीटर लेंगे, अगले दिन फिर 1 लीटर लेंगे, हमें अधिक ज़रूरी पड़ा तो हम 10 लीटर लेंगे, फिर 10 लीटर, फिर 20 लीटर भी लेंगे। अगर हम इसे बचाएंगे नहीं तो हम यहाँ पर बर्बाद करते जाएंगे, कभी 50 लीटर, कभी 100 लीटर, तो इस तरीके से बर्बाद करेंगे। तो ये एक दिन जब आएगा तो यहाँ पर 100 लीटर के जगह 0 लीटर बचेगा, यहाँ पर ज़रा सा भी जल नहीं बचेगा, तो वह मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, ठीक है। तो क्योंकि जल रहेगा नहीं तो मानव कैसे रहेंगे। तो उसी प्रकार हो गया हमारा पेड़ पौधा, अगर हम पेड़ पौधों को काटते जाएंगे तो पेड़ पौधा एक दिन आएगा जब पेड़ पौधा समाप्त हो जाएगा, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होगा, खाने पीने में भी बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी। तो इसमें मुख्य बात इतना ही था, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है ये समझ लीजिएगा। आप लोग इसके पढ़ कर लीजिएगा, आप लोग इसे एक बार पढ़िएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा होगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपको इस चैनल पर क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, हमारा जो पार्ट है वह पूरा समाप्त हो चुका है, अब हम क्वेश्चन आंसर को अगले वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।